हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए इस वाले डिज़ाइन को हम इन दो रंगों से बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं और ये दोनों कलर आधे आधे हम यूज़ करेंगे। किसी भी एक कलर से पहले हम शुरुआत करेंगे और उसके लिए सिर्फ हमें इसमें एक नॉट लगानी है। आप किसी भी तरह से एक फंदा बना लीजिए और उसी में से अब आप आगे आपको फंदे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बुनते समय ही आगे के फंदे बनते जाएंगे। देखिए किस तरह से एक फंदे में से हम दो फंदे बनाएंगे। तो उसके लिए पहले सिलाई को अपनी तरफ करके इस तरह से किया और ये जो धागा है उसे सिलाई के ऊपर लपेट कर इसको बुनना है। तो इस तरह से एक फंदा बढ़ गया और अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से एक फंदे को बढ़ाएंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है ये फंदा बढ़ाने का और आगे के जो बढ़ा हुआ फंदा है उसे बुन लेंगे। तो हर बार स्टार्टिंग में हमें एक एक फंदे को बढ़ाते जाना है इसी तरह से और आगे के जो फंदे होते हैं उन्हें हमें सादा उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए चार फंदे हो गए हैं। अब हम इधर से शुरू करेंगे, एक और फंदा बढ़ाएंगे तो पांच फंदे हो जाएंगे। तो इस तरह से बढ़ाते हुए आपको जितना बड़ा बनाना है उतने ही फंदे आप बढ़ाते जाइए। तो दोनों तरफ फंदे बढ़ते हुए जाएंगे और ये ट्रायंगल शेप में बढ़ता हुआ जाएगा। तो हम इसे जिस तरह से एक दो लाइन बनाई है हम ऐसे ही इसकी 12 लाइन बना लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसकी 12 लाइन बनाई और उसके बाद में हम इसका जो हाफ इसी तरह का पार्ट है वो दूसरे कलर से बनाएंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर दूसरे कलर को जोड़ लेना है और जोड़ते हुए इस वाली लाइन को ब्लू कलर से ही पूरा बनाना है। इसमें हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। तो जब आप इसे जोड़ेंगे उस समय फंदा ना बढ़ाएं, इस तरह से ब्लू कलर से इसे पूरी सिलाई को बुन दें। अब यहाँ के बाद में देखिए उल्टी साइड से हमने रंग को जोड़ा है और इधर सीधी साइड में आ गए। अब इधर से हमें एक एक फंदे को घटाना है। जिस तरह से हमने एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ाया था अब हम बुनते हुए घटाएंगे। तो उसके लिए दो फंदे को एक सिलाई में लेकर और दोनों को एक साथ बुन देना है। तो ये एक फंदा कम हो गया। तो इसी तरह से कोने वाले फंदे को हमें कम करते हुए बुनना है और आगे के फंदों को उल्टा उल्टा बनाना है। तो इस वाली पूरी लाइन को हम बना लेंगे और जब नई लाइन शुरू होगी तब हम फिर से एक फंदे को घटाएंगे। दोनों ही किनारों से हमें ऐसे ही फंदों को घटाना होगा। ये देखिए इधर हमने फंदा घटाया और इधर आ गए। अब हम जब इधर से शुरू करेंगे तब भी एक फंदे को कोने पर, यहाँ पे देखिए दोनों फंदों को एक साथ लेकर घटा देंगे। तो इस तरह से आगे की सिलाइयों को हम बनाते हुए जाएंगे। तो ये पूरा ही इधर से घटने के बाद में इस तरह की सेफ ऊपर की तरफ बन जाएगी और लास्ट में एक फंदा बचेगा। जब बन जाएगा तो ये इस तरह से दिखेगा। ऐसे ही हमें इसके पांच चौकोर टुकड़े बनाने हैं। तो हम बना लेंगे, जब ये पांच बन जाएं उसके बाद में हम इसे एक क्रम में लगाकर ऐसे नीले के बाद में ऑरेंज, इस तरह से सेट करते हुए हम इसे सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए दोनों किनारों को
लेकर के एक ब्लू और एक ऑरेंज को मैच करते हुए और एक एक फंदों को दोनों साइड से किनारे वाले को उठाएंगे। वीडियो में जिस तरह से दिखाया जा रहा है उसी तरह से आप इसकी पूरी सिलाई को कर लीजिए तो काफ़ी फिनिशिंग अच्छी आती है दोनों तरफ से। इस तरह से हमें इसके पांचों जो पार्ट बनाए थे वो जोड़ लेंगे तो ये स्टार शेप का डोरमेट बनकर तैयार हो जाएगा।